अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में लेके आई हूँ समर सीजन के कुछ स्पेशल रेसिपी के साथ। जी आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइस शेक। मैंगो आइस शेक क्यों, मार्केट में 250-300 से कम का ग्लास नहीं मिलता है और बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और मैंगो आइसक्रीम शेक सबका फेवरेट होता है। तो मैंने सोचा आपको एक अच्छी सी रेसिपी दी जाए। मैंगो की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान में कम अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में चौंसा, दशहरी और लंगड़ा आम बहुत ही फेमस है और बहुत ही पसंद किया जाता है। एक मैंगो 150 कैलोरीज होती हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, B6, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कॉपर ऐड होता है। ये जी मैंगो के हो गए विटामिन्स। अब आपको बताते हैं कि मैंगो को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैंगो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत सारे लोग खाने के बाद उसको खाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैंगो को यूज़ करने के। ये जी ये आपके कैंसर को प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, स्किन को क्लियर करता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा आपको हेल्प करता है टू फाइट हार्ट स्ट्रोक्स। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ मैंगो। अभी आपको बता दूंगा, मैंगो आपने हार्ड साइज़ के बिग साइज़ वाले मैंगो लेने हैं, इनको आपने पील ऑफ कर लेना है और इनको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट कर फ्रीज़ कर देना है। कम से कम 2 से 3 घंटे आपने उनको फ्रीज़ करना है, ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं, इसके बाद आपने इनको इस्तेमाल में लाना है। तो इस साइज़ के मैंने कुछ मैंगोज़ ले लिए हैं और इनको मैंने कट करके इस तरह से फ्रीज़ कर लिया था। ये आगे जी मेरे मैंगोज़। इसके साथ आपको शुगर चाहिए, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। मुझे शुगर बहुत कम पसंद है इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद जी मिल्क ले लें, मिल्क कोई भी टाइप का ले लें, मैं मिल्क पैक यूज़ करने वाली हूँ। और हमें लास्ट में चाहिए जी आइसक्रीम। आइसक्रीम मैं वालों की यूज़ करूँगी, आप कोई भी आइसक्रीम वॉल्स की ले सकते हो, ऑलपर्स की ले सकते हो, एनी आइसक्रीम आप मैंगो आइसक्रीम लोगे। और ये जी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मैंगो आइसक्रीम शेक के लिए चाहिए। तो ये आ गए हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हमें एक ब्लेंडर चाहिए और हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और जी हम ऐड करने वाले हैं इसमें ये सब चीज़ें। आपको फिर से दिखाती चलूँ कि मैंगो की ये शेप होगी, शुगर इतनी यूज़ होगी और इस तरह से शुगर का ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून 2 ग्लास में मैं डालने वाली हूँ। और मिल्क भी आपको 2 ग्लास ही चाहिए क्योंकि मैं 2 लोगों का बनाने वाली हूँ। और आइसक्रीम भी आपको अराउंड 1/2 लीटर का पैक ले लें, उसके अकॉर्डिंग हमें 3-4 टेबलस्पून जो होगी हमें आइसक्रीम इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो चलते हैं जी, इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं, अब ये आपको मैं दिखा दूँ ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। अब चलते हैं जी अपने प्रोसीजर की तरफ। अब मैंने मिल्क पैक निकाल लिए हैं, अब इस मिल्क को मैं डाल रही हूँ ग्लास जग के अंदर। इस तरह से इसको ऐड करना है, मिल्क कोई कंडीशन नहीं है। अगर वैसे पैकेट वाला मिल्क लेंगे तो उसमें थोड़ी क्रीम ऐड होती है तो वो टेस्टी बनता है। ऑलपर्स ले सकते हो आप, मिल्क पैक ले सकते हो। वैसे अगर आपको अच्छा अगर डेयरी मिल्क भी मिल जाता है तो वो भी गुड हो जाएगा, अगर आप मिल्क पैक या बॉक्स वाला मिल्क पसंद नहीं करते हो। इस तरह से मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया है। अभी हम ऐड करने वाले हैं मैंगोस। ये मैंगो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे 2-3 आवर्स। अब ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा और ज़्यादा थिक आपका मिल्क शेक बनेगा। ठीक है जी, ये ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट 2 मैंगोज़ मैंने ऐड किए हैं। अब मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, मुझे शुगर बहुत कम चाहिए इसलिए मैंने कम ऐड की है। अब आइसक्रीम ऐड करते हैं। आइसक्रीम मेरी थोड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में मेल्ट हो चुकी है, बट आपने आइसक्रीम भी बहुत ही चिल लेनी है। जितनी आपकी चीज़ें फ्रीज होंगी उतना थिक आपका मैंगो शेक बनेगा। अराउंड 3 टेबल स्पून मैंने आइसक्रीम इसमें ऐड कर ली। इसका कप मैंने ऊपर से हटा दिया है ताकि आपको नज़र आ सके कि किस तरह से ये ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए कितना मज़े का कलर आ रहा है। अगर आपको लगे कि इसका कलर लाइट है मैंगोज़ की वजह से, तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ओके है ये कलर, तो मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया। ये देखिए इसकी इस तरह से थिकनेस होगी। और मैंगो आइस शेक उसी टाइम बनाएं और उसी टाइम सर्व कर लें, इसको ज़्यादा देर के लिए आप स्टॉक ना करें क्योंकि ये फ्रेश इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये फाइनली हमारा मैंगो मिल्क शेक ऐड कर रही हूँ मैं अपने ग्लास में। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको रिच बना सकते हैं, क्रीमी और टेस्टी बना सकते हैं। मुझे अभी क्रीम ऐड नहीं करनी थी तो मैंने क्रीम ऐड नहीं किया, अदरवाइज़ आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसको मोर टेस्ट देने के लिए, टेस्टी क्रीमी बनाने के लिए। और इसके ऊपर से गार्निशिंग करना चाहें तो आप क्रीम से कर सकते हैं। ये जी मैंने इसमें स्ट्रॉ डाल दिए हैं। फाइनल लुक ये है जी मेरे मैंगो मिल्क शेक, आइस मिल्क शेक की। आइसक्रीम शेक बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर घर में ट्राई करें। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और सेम टेस्ट आता है जैसा हम मार्केट में पीते हैं। जी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।